या फिर मान लो किसी लड़की के लिए पागल हो, वो लड़की आपको सही नहीं लग रही है, फिर भी प्यार में हो तो उसका घटिया चीज भी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो आपको गाली दे रही है, या आपका बॉयफ्रेंड आपको गाली दे रहा है, फिर भी यार 28 की हो गई, मैं तो उससे प्यार तब की थी, तब करना स्टार्ट की थी जब मैं 21 की ही थी, 7 साल मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, अब तो वो घटिया निकल गया, फिर भी उसको अगर मैं छोड़ दूंगी या वो मुझे छोड़ देगा तो मेरा 7 साल चौपट हो जाएगा, आप 7 साल चौपट हो जाएगा ये बोल रही हो, और वो घटिया इंसान से शादी करने के बाद वो पूरी जिंदगी आपका चौपट कर देगा, उसका क्या। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, मैं हूं सुमन सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु, और आज का टॉपिक है कि जो भी आप लोग 25 से लेकर 35 साल के बीच में आ रहे हो, ठीक है, अगर आपकी उम्र 25 साल से लेकर 35 साल के बीच में आ रही है तो भाई ये मतलब पूरा वीडियो देखना, ठीक है, 25 साल से लेकर 35 साल के बीच में आप लोग आ रहे हो और आप लोग किसी के प्यार में पड़े हुए हो, एकदम पागल हो किसी के लिए, आप अभी शादी हुई नहीं है, ठीक है, मतलब एकदम जो 25 साल से लेकर 35 साल के बीच में, भाई पूरा वीडियो देखना आप लोग, ठीक है, अभी मान लो आप किसी के प्यार में पागल हो, ठीक है, एकदम पाना चाह रहे हो, एकदम डिस्टर्ब चल रहे हो, भाई ये वीडियो आपके लिए, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, ठीक है, चाहे आप 25 साल से नीचे हो या 35 साल से ज्यादा हो, आप लोग भी देख सकते हो वीडियो, कुछ तो सीखोगे भाई, ठीक है, दोनों के लिए ये वीडियो है, लड़की हो चाहे लड़का हो, ये वीडियो सबके लिए भाई, ठीक है, पूरा वीडियो देखो, ठीक है, और एक बार रिक्वेस्ट है मारिए एकदम लाइक, एकदम दिल से वीडियो बनाया मुझे, एकदम लाइक मारो जितना भी 150, 200, 300, 400, 500 साला जितना मारना है मारो लाइक, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कीजिए और एकदम घंटा बजाइए बेल आइकॉन, ठीक है, और जो शेयर नहीं करते भाई शेयर करना, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखो, वैसे तो लोग कहते हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, किसी भी उम्र में प्यार करो चल जाता है, आप समझो बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग लगाना होता है अगर आप 25 साल से लेकर 35 साल के बीच में हो तो, ठीक है, क्योंकि 25 साल से ऊपर, ठीक है, और 35 साल से नीचे ये बहुत ही शादी करने वाली उम्र है, ये बहुत ही पिक टाइम होता है, 30 साल के आसपास वाला तो एकदम पिक टाइम है भाई, 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल, ठीक है, ये जो है ना ये एकदम शादी वाला की पिक टाइम है, ये एक मतलब भारतीय कल्चर के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये अभी छोड़ दो अमेरिका जापान ये सबको गोली मारो अभी, ठीक है, अभी हम लोग अपना कल्चर का बात करते हैं, ठीक है, 25 साल के ऊपर हो जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि साला भाई अब बुढ़ापा आने वाला है, ऐसा फील आता है यार अब शादी हो जाएगी लगता है, जैसे 25 पार करते हो अब लगता है यार 2 साल के बाद 28 का हो जाऊंगा, सॉरी 27 का हो जाऊंगा, और 27, 28, 29 यार इसी एज में तो लोग साला ये तो एकदम मतलब क्या बोलूं, मतलब इसी एज में तो शादी करते हैं, ठीक है, इसीलिए भाई आप लोग को ये बताने के लिए वीडियो बनाया हूं कि अगर 25 साल से ऊपर हो तो भाई अब मजाक में मत लो, अगर आप किसी के प्यार में हो ना या किसी का प्यार पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो ना भाई मजाक में मत लो, अब कैजुअल प्यार, ठीक है, वो टाइम पास वाला प्यार करना बंद कीजिए, ठीक है, और अभी क्योंकि क्यों पता है भाई, क्योंकि अब वो टाइम है जब शादी करोगे, 25 मान लो 25 में नहीं करोगे, अभी भी आप सोच रहे हो नहीं अभी तो मैं बच्चा हूँ भाई, 28 में तो करोगे, चलो 32 में तो करोगे, अब 32 के बाद भाई दूर तो भाई बहुत वो ज्यादा हो जाता है भाई, लोग करते हैं 40 में भी कर रहे हैं लेकिन सॉरी बहुत ज्यादा हो जाता है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा, उतना एज में कौन करता है भाई, ठीक है, तो 25 से लेकर 35 साल के बीच में अगर हो अब टाइम पास करना बंद करो, अब आप ये दिमाग लगाओ कि ये जो पार्टनर है मेरे साथ, जो ये पार्टनर है क्या मेरे साथ शादी करेगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी हम लोग में बन ही नहीं पा रहा है, मन मुटाव हो रहा है और ये भी घटिया है और मैं भी थोड़ा कभी कभी घटियापा कर देता हूं, ठीक है, हम लोग में बहुत लड़ाई होती है, भाई मिलकर डिस्कस कीजिए कि यार टाइम पास तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं ना कि मैं अभी 25 साल का हूँ या 26 साल का हूँ तो तेरे पीछे मैं 3 साल और लगा दूँ और हो जाऊंगा मैं 30-32 साल का, फिर मेरे को रिग्रेट होगा, रे यार ये तो हाथ से चली गई, ये तो हाथ से चला गया, मेरा उम्र भी पार हो गया, 30-32 हो गया, शादी अब क्या करूँ, मजबूरन में किसी तरह कर करके मम्मी पापा को बोलते मम्मी कोई खोज दो यार नहीं मिल रहा है, तो भाई किसी तरह भाई कंप्रोमाइज कर देते हो अपने लाइफ से, हालांकि अरेंज मैरिज कुछ गलत नहीं है, बहुत सही है, अरेंज मैरिज भी सही है, ठीक है, इज्जत तो अरेंज मैरिज में असली मिलता है, असली इज्जत तो अरेंज मैरिज में मिलता है, आप समझ रहे हो, लेकिन भाई एक होता नहीं है कि जिसको चाहा वो मिला नहीं, अब मन मार के सारा किसी को जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, तो ये तो भाई अब किसी से जबरदस्ती शादी कर रहे हो मन भी नहीं है, तो एक तरह का तो आप धोखा दे रहे हो उसको,
क्योंकि आपका मन उसको अपना ही नहीं रहा है। इसलिए शादी करने से पहले ही भाई क्लियर हो जाओ, ठीक है। बहुत हैं जो 26-27 के हैं यार, मतलब ऐसे सोच रहे हैं यार ये तो भाई दिमाग खराब कर रही है यार, ये तो दिमाग खराब कर रहा है साला, मेरे को लग रहा है ना ये 3-4 साल और वेट करवाएगा। अब बताओ, अब इस चक्कर में आप हो गए भाई 33 साल के, फाइनल कीजिए। क्या मूव ऑन करना है तो जल्दी कीजिए, रिलेशनशिप में घुसना है तो क्लियर कट बात कीजिए कि ये मेरे को ले रही हो रिलेशनशिप, मेरे को ले रहे हो रिलेशनशिप, नहीं ना है ले, अच्छा ले रहे हो तो फाइनल है ना। इस तरह कीजिए भाई, इस तरह नहीं कि हाँ मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा हूँ और 4 साल नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लूंगा। भाई नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो करना है, लेकिन इतना मत कर लेना कि एकदम 1.5-2 साल नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल कितना फॉलो करने बोल सकता हूँ किसी को पता है? ज्यादा से ज्यादा भाई 6-7 महीने, सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है 1 साल में भी आते हैं, लेकिन मेरे लिए एक सेफ दायरा, एक होता नहीं है कि 6 महीने, मैं मानता हूँ 6 महीने नो कॉन्टैक्ट रूल सेफ होता है, ठीक है। उससे पहले भी बहुत लोग का रेस्पॉन्स आ जाता है, अधिकतर लोग का रेस्पॉन्स 6 महीने से पहले आता है। बहुत लोग वेट भी कर रहे हो ना अपने पार्टनर का कि यार आएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं। भाई देख लेना, उम्र हो गई है 34 साल, अभी फॉलो करोगे नो कॉन्टैक्ट रूल, भाई आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा एक लड़की अच्छा देखो, एक लड़का अच्छा देखो, घर परिवार को बोलो कि देख लो यार कहीं मैट्रिमोनियल में अपना मैट्रिमोनियल वेबसाइट साइट में अपना प्रोफाइल बना के डाल दो, कुछ भी करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप 25 से लेके 35 साल के बीच में हो भाई, आपको कैरियर भी अच्छा बनाना है, सोच लो भाई, ठीक है। बहुत लोग कैरियर से कंप्रोमाइज कर देते हैं एक पार्टनर के पीछे, कैरियर प्यार भाई सब कुछ एकदम सॉर्ट आउट करो। मुझे एक टारगेट सेट करो कि यार अभी 25 साल का भी हो चुका हूँ, नौकरी नहीं लगी है भाई, 1-2 साल और पढ़ाई करता हूँ भाई, 27 तक तो पक्का जॉब ले लूंगा। या फिर मान लो किसी लड़की के लिए पागल हो, वो लड़की आपको सही नहीं लग रही है, फिर भी प्यार में हो तो उसका घटिया चीज भी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो आपको गाली दे रही है या आपका बॉयफ्रेंड आपको गाली दे रहा है, फिर भी यार 28 की हो गई, मैं तो उससे प्यार तब की थी, तब करना स्टार्ट की थी जब मैं 21 की ही थी, 7 साल मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, अब तो वो घटिया निकल गया, फिर भी उसको अगर मैं छोड़ दूंगी या वो मुझे छोड़ देगा तो मेरा 7 साल चौपट हो जाएगा। आप 7 साल चौपट हो जाएगा ये बोल रही हो, और वो घटिया इंसान से शादी करने के बाद वो पूरी जिंदगी आपका चौपट कर देगा, उसका क्या। ये 25 साल से लेके 35 साल के बीच में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होगा। अगर आप ही अपना अच्छा बुरा का अंदाजा नहीं लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगी तो काहे का भाई दिमाग है फिर आपका है? बहुत लोग हो जाते हैं 32 साल 33 साल, ठीक है, और पार्टनर उनका भाई हो जाता है मान लो 21 साल की लड़की 22 साल की लड़की। अब लड़का है 32 साल का, लड़की 21 साल 22 साल की। अब लड़की तो चलो 3 साल अभी शादी नहीं करेगी कम से कम, लेकिन लड़का का तो उम्र हो गया ना। अब इस चक्कर में मजबूरी में यार क्या करें भाई, डिसीजन लीजिए। लड़की आपने भाई आपकी गर्लफ्रेंड है 22 साल की, आप 32 साल के, गर्लफ्रेंड के पास तो अभी 3-4 साल आराम से है, वो शादी करेगी 26-27 में, आप क्या 36 में करोगे। तो एक दिमाग लगाइए करना क्या है। मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो तो होना होगा भाई, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो ना, बहुत लोग बोलते हैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूं, भाई होना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं याद आ रही, अरे याद करते रहो लेकिन मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। मन में आ रहा है ना, ख्याल आ रहा है ना, आने दो, हाँ आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है मेरी बंदी मेरे को किस करती थी, गले लगाती थी, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से हग करता था, याद आ रहा है, आने दो। उस तरह तो मेरे को डेली गोलगप्पा का याद आता है, मोमोज चटनी का याद आता है, मैं क्या एकदम चप्पल पहन के निकल जाता हूँ क्या हमेशा है? अभी मेरे को पता है क्या मन कर रहा है, मेरे को मन कर रहा है डोसा खाने का, डोसा सांभर और चटनी वाइट वाली, तो क्या है वीडियो छोड़ के ओके फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स करके साला चप्पल पहन के चले जाऊँ डोसा खा लूँ, पहले वीडियो बनाऊंगा ना भाई। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी अपना मन मारा कि नहीं पहले अपने सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बना लेता हूँ, सच में वीडियो बनाने के बाद मैं चप्पल पहन के, सॉरी बारिश हो रहा है ठीक है, साला मतलब चप्पल ही पहनू, चप्पल पहन के जाऊंगा साला और डोसा खा के आऊंगा, वो भी 3 डोसा, समझ रहे होगा लूज मोशन साला बाद में देखा जाएगा, ठीक है। वो इसलिए बोल रहा हूँ भाई एक डिसीजन बनाइए, मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, उम्र हो गई है 32-33 साल, शर्म नहीं आती है बोलने में, ये बोलने में मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। अरे ठीक है आप प्यार किए, मैं कद्र करता हूँ कि आपने प्यार किया, लेकिन उसका क्या जो आपकी माँ उम्र माँ बूढ़ी हो रही है, आपके पापा बूढ़े हो रहे हैं, उनके सपनों का क्या जो वो बोल रहे हैं बेटा कर लो शादी यार, हम लोग का भी प्राण पता नहीं कब त्याग हो जाएगा हैं,
आप वो डायलॉग मार रहे हो बॉलीवुड का और हॉलीवुड का कि यार मूव ऑन होना बहुत डिफिकल्ट है, और वो माँ बाप का क्या जो मतलब वो मूव ऑन हो जाएंगे, वो भी तो सपने देखे हैं ना कि मैं अपने बेटे को एकदम जीते जी एकदम शादी होते हुए मैं देखूं अपने बेटी को अपनी अपने बेटे को, तो उनको उनको वो क्या मूव ऑन हो जाएंगे उनको ही बोलो कि पापा आप ही मूव ऑन हो जाओ यार, आप अपने थॉट को भुला दो, मैं अपनी बंदी को नहीं भुला सकता, ऐसे बोलोगे आप? बस स्वार्थ पे आ जाते हो कि मुझे चाहिए वो बंदी, मुझे चाहिए वो बंदा, भूल जाते हो कि आपके खुशी में दूसरे का भी भाई हक है, आप समझ, ये भूल जाते हो, सेल्फिश हो जाते हो। बहुत लोग हैं अपने मम्मी पापा से बहस कर लेते हैं, अरे जब आप नहीं बोलोगे मैं जिससे शादी करूंगा उसी से करूंगा, नहीं वो बंदी आए, होते हैं भाई कई क्लाइंट है मेरे कॉल पर रोते हैं कि यार मम्मी से मैंने भाई बहुत डांट के बात किया, पापा मेरे बोल रहे थे बेटा देख लो आगे बढ़ जाओ, मतलब मैंने पापा से बहस कर लिया। एक क्लाइंट था 6 महीने पहले का, वो तो भाई अपने पापा को एक थप्पड़ मार दिया था, क्यों पता है? पापा बोल रहे थे बेटा नहीं आएगी मूव ऑन कर जाओ। अब पता नहीं एक भाई कौन था भाई, एकदम मेरा ही क्लाइंट है भाई, पगला गया, कॉल पे बेचारा रोया था, बोला यार आया गुस्सा, पापा कुछ समझ नहीं रहते हैं, वो भी बोल रहे थे अरे क्या एक ही जगह बैठे रहते हो, ठीक है मूव ऑन कर जाओ, मेरे को सर आया गुस्सा, मार दिया एक चाटा, बताओ, पांव पकड़ के रोया, माफ कर दो पापा माफ कर दो पापा, बेटा भी रो रहा है, माँ भी ये बाप भी रो रहा है, माँ देखी वो भी रो रही है, दो बहनें थी वो भी रो रही है, घर में एक सर्वेंट था वो भी पूरा बेचारा रोने लगा, अलग ही माहौल था, बाप को एक थप्पड़ मारना समझ लो, सोचो इतना क्या पगलाना भाई, आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हो तो दूसरे के बारे में माँ बाप के बारे में क्या घंटा सोचोगे? 25 साल से 35 साल के बीच में हो भाई, ये एज में बहुत ही स्मार्टली आपको काम करना होगा, कैरियर भी अच्छा बनाना होगा। अब बहुत लोग क्या होता है ना, कैरियर अच्छा है अच्छा कमाते हैं, पार्टनर के लिए भाई टाइम वेस्ट कर दिए भाई आप तो, और फिर आप लोग का तो और खराब हाल है, 28 साल तक भी अच्छा जॉब आप लोग पा लेते हो लेकिन एक पार्टनर के चक्कर में 33 साल के हो गए भाई, फिर जल्दी नौकरी और अच्छा नौकरी पाने का क्या फायदा? प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, यहां वो सब डायलॉग मारने वाले भाई ये वीडियो मत देखना जो बोलते नहीं यार शादी वादी बर्बादी है, ये सब मत बोला कीजिए, नहीं उनसे पूछिए जिनका शादी नहीं हो पा रहा है, वो एक शादी एक लड़की एक लड़के के लिए तरस रहे हैं, शादी जितना आसान दिखता है ना है शादी तो हो ही जाएगा, उतना मुश्किल भी है बहुत लोगों के लिए, कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए शादी यार बर्बादी है नहीं बोलना चाहिए, वो कॉमेडी में हो जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको जो चीज़ नॉर्मल लग रहा है ना, जैसे 25 साल की उम्र में बहुत लोग सोचते हैं शादी अभी तो मैं नहीं सोचा हूं, भाई जब 35 साल के हो जाओगे ना तब पछताओगे, ठीक है? अब ये आपकी चॉइस है शादी करनी है कि नहीं, लेकिन कर रहे हो तो सही टाइम पे कर लो भाई, या तो एकदम मत करो नहीं तो कर रहे हो तो सही टाइम पे करो। मैं तो भाई देखो सही टाइम पे कर लिया था, अपना बता रहा हूँ कर लिया भाई, ठीक है वो था भी भाई मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, ठीक है वही बोल रहा हूँ सही टाइम में कीजिए। उम्र हो गई है भाई 36, तो ये वीडियो तो भाई आप तो 35 तक के लिए बना रहा हूँ, आपका तो 36 साल हो चुका है, आपको तो सच में कर लेना चाहिए। एक क्लाइंट है भाई 21 साल की उम्र में एक लड़की उसको मिली, ठीक है अब लड़की तो कब का शादी कर ली, अभी ये उम्र हो गया इसका 37, अभी तक वेट कर रहा है कि वो उसका पति उसको कभी ना कभी तो छोड़ेगा, तो भाई अब उसको बोल रहा है प्लीज डिवोर्स ले लो अपने पति से, बता यार ये सबको क्या बोलोगे इस टाइप के इंसान को, लूजर ही बोलोगे ना, लेकिन हम बेचारे परेशान, ठीक है सब चीज टाइम पे कीजिए। और जो भी हैं जो भी 30 और 35 के बीच में हैं जो भी देख रहे हैं आप लोग को तो और दिमाग लगाने की जरूरत है भाई, ठीक है आप किसी के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आती है तो जल्दी भाई कर लो, ठीक है नहीं आती है तो और जल्दी कर लो शादी किसी से, ठीक है बॉयफ्रेंड अगर लटका के रखा है क्लियर कट बोलो, अगर आप लड़की हो क्लियर कट बोलो कि यार प्लीज जल्दी क्या कर रहे हो, ठीक है नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो कर रहे हो, अब ये नहीं कि उसके लिए 2 साल तक नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट अगर उम्र हो गई है 30 के आसपास हो तो किसी के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल भी यार ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीना ही फॉलो करना, मैं ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है उसके बाद भाई आप मूव ऑन हो जाना, सही टाइम में शादी करो भाई, ठीक है वेस्ट मत करो अपना लाइफ, 35 साल के नीचे ही कोशिश करो शादी हो जाए, सबसे सही टाइम शादी का मैं आपको बता रहा हूँ वो है 28 के आसपास, क्योंकि 28 ऐसी उम्र है, 27-28 ऐसी उम्र है, कैरियर भी आपका बन जाता है, ठीक है
मतलब नौकरी चाकरी भी ठीक ठाक मिलता है, मतलब 27, 28, 29 ये 3 साल बहुत ही एकदम सही टाइम है, एकदम शादी कर लो आज के जमाने का। मैं पहले का जमाने तो बचपन में कर लेते थे लोग, मैं एकदम अभी का टाइम बता रहा हूँ, 27, 28, 29 30 से नीचे बता रहा हूँ, ये तीन साल जो है ये बहुत ही सही टाइम होता है शादी करने के लिए। ये लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए सही टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, सही टाइम 25, 26, 27 ये तीन एकदम परफेक्ट। 28 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है लड़कियों के लिए, ये भारतीय कल्चर का मैं बोल रहा हूँ, होता है ना लड़कों का ये थोड़ा ज़्यादा होता है लड़कियों का कम, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 28 पार मत करो यार, जो भी लड़कियाँ 28 पार मत करो, बहुत हैं जो 28 पार होंगी, बहुत सब्सक्राइबर यार, आप लोग बहुत टाइम वेस्ट हो गया आप लोग का। प्रैक्टिकल बात बोलूंगा, दिल पे लगेगा, डिसलाइक मारने मार दो, मैं इधर लाइक डिसलाइक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम आप लोग के लिए एकदम जो हित का बात है वही मैं बोल रहा हूँ। 28 पार मत करो लड़कियों को बोल रहा हूँ, लड़कों को बोल रहा हूँ 30-32 साल से ज़्यादा पार मत करो यार, टाइम पे शादी कर लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, पसंद आया तो लाइक करो, एकदम लाइक मारो भाई, एकदम कुछ मत सोचो, एकदम लाइक मारो जितना मार सको, सब्सक्राइब करो, एकदम शेयर करो, ठीक है। मैं से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, ठीक है, शादी वादी नहीं हो पा रही है, दिमाग खराब हो रहा है भाई, पार्टनर नहीं आ रहा है, जो भी है, लव टिप्स लेना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, पे कीजिए, मैं 1 घंटे बात करता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, चलो बाय।